हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 11:25 AM, 11:25 हो रहे हैं और बनाना है लंच। लंच में क्या बनेगा डिसाइड नहीं हुआ है। अदर ने कुछ भी नहीं बताया क्या बनेगा। दाल तो बनेगी मम्मा, तो दाल बनानी है और डैडा तो सब्जी भी खाएंगे दाल के साथ। तो सब्जी भी बनाऊंगी, रोटी भी बनाऊंगी, चावल भी बनाऊंगी। अदर देख भी रहा है। आप क्या खाओगे अदर? दाल बना दो मम्मा, आज खाने में क्या है मम्मा? दाल तो बना दो अबू के लिए मम्मा। क्या बनाओगी? अबू के लिए भी बना दो। अरे दाल खाता है बाबू, तो दाल तो बननी चाहिए ना अबू के लिए, तो बननी चाहिए दाल। हाँ, वही मस्ती हो गई मस्ती। हो तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में लंच बनाने के लिए, और अभी बहुत मस्ती हो गई है थर के साथ में। तो अभी आ गई लंच बनाने के लिए। गैस पर दूध रखा हुआ था, सुबह गर्म किया था, तो दूध मैंने फ्रिज में रख दिया है क्योंकि आजकल ना गर्मी होने लगी है, तो थोड़ा सा दूध दूध फटने का डर होने लगा है, तो इसलिए दूध रख दिया मैंने। और यहाँ पे दाल ले ली मैंने, क्योंकि दाल बनेगी ही, बाबू भी खाता है दाल, तो दाल बनाऊंगी। आओ अथर्व, यहाँ जाओ, इधर खेलो के। और अथर्व को मैंने ना वॉकर में बिठा दिया, वो खेल रहा है, तो मैं उसे बुला रही हूँ कि बाबू इधर आ जाओ, वहाँ मत खेलो, क्योंकि वो ना चीज़ें बिखरा देता सारी, तो उस पर भी एक नज़र रखनी पड़ती है कि क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, कुछ ऐसा ना छूले जो उसे मतलब नुकसान कर जाए। तो वैसे कुछ नीचे वैसा है नहीं, पर बच्चे हैं कहाँ पहुँच जाए कुछ पता नहीं होता। तो दाल मैंने अच्छे से वॉश कर ली, और वॉश करने के बाद दाल रख दी, और अभी भी मैं उसे बुला रही हूँ इधर किचन की तरफ। और चावल मैं धुल लेती हूँ, तो चावल भी एक साइड चावल रख दूंगी, तो चावल भी पक जाएंगे। तो दो कुकर होने का ना ये फ़ायदा है कि दाल भी और चावल दोनों साथ में पक जाते हैं। और साथ साथ अथर्व किचन में आ गया, अथर्व के साथ में बातें भी करती जाती हूँ और बनाती भी जाती हूँ। तो मैं बनाने जा रही बाकला की सब्जी। आज मैं ना रसेदार बनाने जा रही हूँ, मतलब करी वाला बाकला बनाऊंगी। तो यहाँ पे फटाफट से मैं बाकला काट लेती हूँ, और अभी बाकला आलू मैंने दोनों ही कट करके रख लिए हैं। ये थोड़े से आलू काटे मैंने, और ये बाकला आलू ने मैंने थोड़े से ही लिए, दो ही काटे हुए हैं छोटे छोटे, वो भी मीडियम साइज के आलू थे दो, तो दो ही काटे हुए हैं। और तेल ले लिया मैंने, तो तेल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, जितना डेली सब्ज़ी में यूज करती हूँ उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो तेल हो गया है गरम, और मैं ये जो मैंने मसाला तैयार किया ना पीस के, तो मसाले में मैंने प्याज भी पीस दिया है, और लहसुन, थोड़ा सा अदरक, और अपने रेगुलर मसाले हल्दी धनिया नमक मिर्चा जीरा गरम मसाला, यही सब मिक्स करके मैंने पीस लिया। मसाले को ना बहुत अच्छे से पकाना है, बिल्कुल तेल सेपरेट होने तक बहुत अच्छे से पकाना है, कुछ रेड हो जाना चाहिए मसाला पककर। और टमाटर यूज नहीं करेंगे इसमें। ये देखिए मसाला ना बिल्कुल अच्छे से पक गया है, ये देखिए तेल ना इससे अलग अलग हो रहा है ना, तो बस ऐसे ही बिल्कुल पका लेना है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको भी, ये देखिए अच्छी तरह से पक गया ना ये। अब इसमें डालेंगे अपने वही बाखला कटे हुए और आलू। चलिए इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं।
दूंगी थोड़ी देर, ऐसे ही इसमें मसाले के साथ पकाएंगे, फिर पानी डाल के इसको सीटी लगा देंगे। तो थोड़ी देर ना इसे चला चला के मसाले के साथ पकाना है, फिर ये जब थोड़ा सा पक जाएगा ना, ज़्यादा नहीं वही 3 से 4 मिनट ऐसे पकाऊंगी, तो इसके बाद में फिर इसमें डाल दूंगी अब पानी और इसमें 2-3 सीटी लगा दूंगी, आराम से ये पक जाएगा। ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना क्योंकि थोड़ा सा ना गाढ़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। तो बस इसमें कटे हुए धनिया पत्ती डाल दी और ये सब्जी पक गई है, और ये साथ में मैंने बनाई हुई है दाल, दाल भी फ्राई कर दी मैंने, धनिया पत्ती भी डाल दी और बनाए हुए राइस। तो लंच वंच करने के बाद मतलब शाम का समय हो गया है और मैं आई हूँ छत पर थोड़े से टमाटर तोड़ने के लिए। तो मैंने सोचा आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे मैंने क्या क्या सब्जियाँ लगा रखी हैं। ये शिमला मिर्च लगा रखा है, तो ये शिमला मिर्च ना ऐसे पक गया है थोड़ा सा, और ये धनिया भी लगा रखी है, और इधर ये हमारी तुलसा जी, और इधर है ये है मिर्च का पौधा, इसकी मिर्च मैंने तोड़ ली थी एक बार तो अभी इसमें दोबारा मिर्च नहीं आई, और ये आलू के थे पौधे, और ये उधर अरबी मतलब घुइयां, और ये टमाटर पक गए, टमाटर मैं तोड़ लेती हूँ। तो इधर टमाटर काफ़ी सारे पक गए हैं, ये सारे मैं तोड़ लूँगी आज, और इधर ये भी आलू का पौधा है ना, ये छोटा सा दिख रहा था इस तरह से। यहाँ पे गमले में मैंने एक पत्ता गोभी भी लगाए हुए हैं दो, तो वो भी लगे हुए हैं। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं चलिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।